गाइस आदि पुरुष का टीजर रिलीज के 24 घंटे के अंदर ही बहुत 100 मिलियन व्यू का आंकड़ा पार कर लिया, तो आप सोच सकते हैं इसका जो क्रेज है कितना ज़्यादा है पब्लिक के बीच में। और ये 5 भाषा में रिलीज हो रही है और पांचों भाषा का व्यू मिलाकर 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन का व्यू पार कर लिया है। ओनली हिंदी में ही 70 मिलियन का व्यू पार कर लिया है, तो आप सोच सकते हैं हिंदी में फिल्म का कितना क्रेज है और हिंदी में कितना फैन है इस पर प्रभास के। और ये फिल्म जो है जनवरी के महीने में हम लोग को देखने को मिलेगी और इसका टीजर अभी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हम लोग को जो प्रभास है भगवान राम के कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सैफ अली खान है वो लंका रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और ये फिल्म में बहुत ही ज़्यादा VFX यूज किया गया, आप देख ही सकते हैं कि कितना VFX यूज किया गया है इसमें। जो सैफ अली खान है एक पक्षी पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, जो उड़ रही है पक्षी उसके ऊपर बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं फिल्म में कितना VFX यूज किया गया है। तो गाइस ये फिल्म का बजट जो है वो बहुत ही बड़ा है, 500 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया है। और इसके जो डायरेक्टर है ओम राउत वही हैं जो इससे पहले अजय देवगन के साथ में तानाजी द वॉरियर फिल्म बना चुके हैं, उसमें भी सैफ अली खान विलन की भूमिका निभाए हुए थे। और ये फिल्म बहुत ही बड़ी सुपरहिट हुई थी और बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन किया था। और ये फिल्म को और उसके हीरो अजय देवगन का कुछ दिन पहले ही नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी वो। और फिर से ओम राउत अपनी फिल्म आदि पुरुष को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। और ये फिल्म का रिलीज डेट 12 जनवरी को है और ये फिल्म 3D में हम सभी को देखने को मिलेगी। और इसके बाद ही 12 दिन बाद जो शाहरुख खान की फिल्म पठान वो भी रिलीज होने के लिए तैयार है, उसका भी टीजर और ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है। और इस पर शाहरुख खान ने बहुत ही बड़ा बयान दिया, वो ये टीजर को देखने के बाद बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये फिल्म सिर्फ प्रभास के नाम पर चलेगी, इस फिल्म में कोई स्टोरी नहीं है, इससे पहले जो रामायण है वो सभी ने देख चुका है, आप पठान का टीजर देखिएगा तब आपको मालूम चलेगा कि टीजर कैसा होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो पठान मूवी वो भी जनवरी के महीने में रिलीज हो रही है, और जो आदि पुरुष है उसके 12 दिन बाद 23 जनवरी को पठान रिलीज हो रही है, उसका भी क्रेज बहुत ही ज़्यादा है पब्लिक के बीच में। और वो फिल्म में भी हम लोग को बहुत ही बड़े बड़े स्टार देखने को मिलेंगे, जॉन ग्रैहम हो गए या शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण, बहुत ही बड़े बड़े। और इस फिल्म में भी आदि पुरुष में भी बहुत बड़े बड़े हम लोग को स्टार देखने को मिले हैं। तो देखते हैं कौन मूवी किस पर भारी पड़ती है, आप बताइए कमेंट में, क्या आप किस मूवी के इंतजार कर रहे हैं, क्या आप शाहरुख खान के फैन हैं या जो प्रभास हैं उनके फैन हैं, क्या आप पठान फिल्म देखने जाएंगे या आदि पुरुष को देखने जाएंगे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही आपको मजेदार में वीडियो लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो ऐसे कुछ जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके तब तक टेक केयर।